हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक। इसे आप आने वाले फेस्टिवल सीजन में क्रिएट कर सकते हैं। अब रिसेंटली रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसमें भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। नायका की इंडिपेंडेंस सेल से मैंने वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन परचेज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका शेड मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, तो मैं उसमें अपना पैक फाउंडेशन मिक्स करूंगी। ये फाउंडेशन मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ड्राई है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, बट नेक्स्ट टाइम मैं इसमें कोई भी फेशियल ऑयल ऐड करके ही इसे यूज़ करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्किन को मैट कर देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप डेफिनेटली ये फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। और एज यूजुअल मैं इस वक्त प्राइमर अप्लाई करना भूल गई हूँ। गाइज, मुझसे शेयर कीजिए, क्या आप भी अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेयर करते समय कोई प्रोडक्ट को भूल जाते हैं? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, मैं प्राइमर अप्लाई करना बिल्कुल भूल जाती हूँ। और अब मैं अपनी फाउंडेशन को YBP ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर ले रही हूँ और इसे अपने अंडर आईज पर अप्लाई करूंगी। और कंसीलर को फिंगर से ब्लेंड करना ज्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि इससे काफी अच्छा कवरेज मिलता है। मैं इसे अपने आईलिड पर भी ब्लेंड कर लूंगी और उसके बाद क्रायलन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से इसे सेट कर लूंगी, ताकि ये क्रीज नहीं हो। इसी पाउडर से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी। और अब मैं यहाँ पर लॉरियल का ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल बटरी है और इसका शेड भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी ब्रॉन्जर से मैं अपने नोज को भी कॉन्टूर कर रही हूँ। और अब नेक्स्ट मैं अपने वेट एंड वाइल्ड के कॉन्टूर पैलेट में से ये हाइलाइटिंग शेड ले रही हूँ और अपने अंडर आईज को हाईलाइट करूंगी। आई मेकअप के लिए आज मैं ये मेबलिन का न्यूट्रल कलर्स का पैलेट यूज कर रही हूँ। आईलिड्स के कलर मैं बिल्कुल न्यूट्रल रखूंगी। एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं क्रीज में कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल आई लुक है फ्रेंड्स, इसे आप इजिली 5 मिनट में ही क्रिएट कर सकते हैं। फेस्टिवल्स के टाइम पर बहुत बार ऐसा होता है, हमें काफ़ी रश होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास रेडी होने के लिए, तो उस वक्त पे आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। सेम कलर से मैं अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स को स्मोक आउट कर रही हूँ और अब लिड एरिया पर मैं ये शिमरी कलर अप्लाई करूँगी। मुझे लगता है कि फिंगर से जब हम शिमरी कलर्स को अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन आता है और ये काफ़ी ईजी भी रहता है। और अब मैं अपनी निकागी की आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर निक्स के मैट आईलाइनर से एक थिन लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप काजल गर्ल हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर काजल भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे लिक्विड लाइनर ज्यादा पसंद है। और अब इस लुक को थोड़ा सा क्रिएटिव करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेबलिन की जेल ड्रामा आई पेंसिल। इसे मैं अपनी वाटर लाइन पर लगाऊंगी। आप अपनी ड्रेस से मैच करते हुए किसी भी कलर की आई पेंसिल को यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसे सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ ये ब्लू कलर का आई शेडो। ये एक शिमरी आई शेडो है, इससे ये कलर मेरी लैश लाइन पर लॉक हो जाएगा और बिल्कुल भी बज नहीं होगा। एज यू कैन सी, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, लेकिन अच्छा लगता है कई बार जब आपको बहुत ज्यादा हैवी आई लुक क्रिएट नहीं करना हो। और अब मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश।
और इसे मैं अपने ब्रॉन्जर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब अपने मेकअप को लॉक करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे। अब नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अब सेम हाइलाइटर से मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स को और ब्राउ बोन्स को भी हाइलाइट कर लूंगी। अपने लैशेस को कर्ल करूंगी मैं और यहाँ मैं मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा लगा रही हूँ और मैंने पैक के फॉल्सीज भी यूज किए हैं। लिप्स को आज मैं बिल्कुल ब्राइट रखने वाली हूँ क्योंकि फेस्टिव सीजन में ब्राइट कलर के लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छी लगती हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये है मेरा फाइनल लुक फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइज मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।